गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। मेरे YouTube चैनल 5507 सोनिया सोनिया में आप सबका स्वागत है। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना? तो सॉरी अगर कुछ गलती हो जाए तो आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे डियर हस्बैंड की तरफ से भी, क्योंकि हस्बैंड जी ड्राइव कर रहे हैं और उनका ध्यान बांटना ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज इतना बड़ा दिन है और कोहल पड़ रहा है। कहते हैं ना 26 जनवरी के बाद धूप निकल जाती है और ठंड चली जाती है, पर मौसम कोहरा दिखा रहा है। एक भी बारिश नहीं आई सर्दी के मौसम में, एक भी बारिश जिसको बोलते हैं। तो हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने और कमेंटों का सिलसिला है चालू। और मेरी प्यारी बहनें सभी जितनी भी हैं, जिन मैं अब इतनों का नाम लूँ और एक का रह जाए तो वो भी सही नहीं है। मैं अपनी सारी बहनों से बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को भी नहीं भूलती, मैं सबको मिस करती हूँ और ना मैं अपने दोस्तों को। तो अगर मेरे पे किसी का नाम रह जाता है तो मैं आज नहीं कल जरूर लूँगी। और अगर जो टू डेज वीडियो होती है, जो आज की वीडियो होती है, उन पे कमेंट ज़्यादा क्या करो, क्योंकि आज से एक दो दिन बाद मैं उन्हें ज़रूर देखूंगी, एक दो दिन बाद, और जब भी मैं उनके रिप्लाई करती हूँ। तो कमेंटों का सिलसिला जारी है। अगला जो कमेंट है वो है धर्मेंद्र सिंह 585। तो उन्होंने बोला है कि सोनिया जी कौन सी चक्की का आटा खाते हो। तो मैं भी नॉर्मली चक्की का आटा खाती हूँ, पर तुमने बोला है कि मुझे बाजरे की रोटी आटा खाना है। अब तुम बाजरे की खाओ, ज्वार की खाओ, कुछ भी खाओ, मेरी तरफ से मुझे क्या मतलब है भैया। मैं तो गेहूं की 2 रोटी या 3 रोटी खाती हूँ, और ये अब मैं हेल्थी तो नहीं है, हेल्थी का जवाब हेल्थी हूँ तो इसमें क्या है। तो धर्मेंद्र सिंह, हाँ बताओ, आप बताओ। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की चक्की का आटा खाते हैं। हम हिंदुस्तान की चक्की का आटा खाते हैं। जय हिंद, जय हिंद। तो जय हिंद, जय 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 जवान जय किसान। तो भाई अब सोचे ना, और मैं किसी मतलब अगर देखा जाए तो, अगर आप सोचते हो तो पता नहीं, आप सब पूछते रहते हो कौन कहाँ से हो, कौन हो। तो पहले तो मेरे से बहुत पूछते हैं कि आप सांगवान हो या कुछ भी बोलते, पासवान हो। तो मैं धनकर हूँ और मैं तमरों में भी आई हुई हूँ, तमर में। तो मैं जाट से हूँ, और बट मैं, ये मेरी एक अंदर की वो है जो मैं बाहर की अब बताना चाहती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ना मेरा कोई जात है, ना मेरी कोई धर्म है। तो भाई मैं यहाँ पे एक आर्टिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे कलाकार हूँ, और मैं हर धर्म को, हर दोस्त को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, जितने भी धर्म है, मैं सबको बिलोंग करती हूँ, मैं सबके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने काफ़ी दिन पहले एक मतलब उस पर मुसलमान पे वीडियो बनाई थी, जिससे मुझे काफ़ी ट्रोल किया गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान आदमी नहीं होते, हर वो इंसान नहीं होते, सबकी फीलिंग्स होती है। कुछ लोगों के पीछे हर लोग बदनाम हो जाते हैं, ऐसा ना करें। तो और मैं कई बार मैंने पंजाबियों पे भी वीडियो बनाई है, सिखों पे भी वीडियो बनाई है, तो ऐसा ना करें। बस मैंने उस पे नहीं बनाई, क्रिश्चियन पे नहीं बनाई। तो मैं कोशिश करूँगी, मेरे फैंस काफ़ी है। हाँ, क्रिश्चियन पे मैंने बोला था कि सोनिया जी हमारे देश में वो नहीं मनाया जाता, उसको 25 दिसंबर को क्रिसमस। तो इस ऊपर भी मुझे बहुत काफ़ी ट्रोल किया गया था। तो आज तुलसी माता की जय है, ये है वो, ऐसा कुछ लोगों ने बोला था। तो कोई बात नहीं, कोई धर्म और कोई जात छोटी बड़ी नहीं है, सब जात धर्म सब बराबर है। काटोगे, कहते नहीं है, एक ही खून निकलेगा, और सबको जल के 2 मुट्ठी राख होना है, और कुछ नहीं है। अब कमेंट बताती दूसरा। व्यूवर्स की आईडी पे नाम नहीं है, व्यूवर्स ने बोला है सो ब्यूटीफुल। 40 की होके सोनिया 20 की लग रही हो, किस पे? क्योंकि मैंने परसों अपनी एक बहुत पुरानी फ्रॉक डाली थी ब्लू कलर की, जो मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे सिलवाई थी, एक्चुअली मेरे बुटीक में बन के आई थी वो, तो मुझे भी बहुत पसंद था। उसकी भी एक छोटी सी कहानी जल्दी बोलूँगी। एक्चुअली वो थोड़ा कपड़ा था, तो उस कपड़े का मैंने क्या बनवाऊँ। तो मैं अपने बुटीक में गई, तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपके लिए मैं एक शॉर्ट्स फ्रॉक बना देता हूँ, इसमें से आपकी वीडियो काम आएगी। मैंने
कि चलो अब बना दूं, तो मैंने देखा वो काफी अच्छा, मैंने उस पर काफी वीडियो बना रखी है और काफी मतलब कम से कम एक साल में उसका नंबर आया था। मैं उसे रख के भी भूल जाती हूँ, कुछ ड्रेसों को तो पता भी नहीं चलता कहाँ है। और वो मैंने ड्रेस निकाली और मैंने फिर अपने स्टाइल में वीडियो शूट की। और देखो हमारे कपड़ों से ना बहुत प्रभाव पड़ता है, मैं आप सबको बताती हूँ हमारे कपड़ों से क्या प्रभाव पड़ता है कि हम अगर दूसरे कपड़े डालते हैं जैसे धोती वगैरह डालते हैं तो हम उससे ज्यादा एज के लगते हैं, और हम साड़ी डालते हैं और थोड़ी स्टाइलिश डालते हैं या सीधे पल्ले की डालते हैं तो फिर हम मैच्योर लगते हैं, और हम उल्टे पल्ले की और जैसे पिन वगैरह डाल के बांधते हैं तो हम कम एज के लगते हैं। अब जींस पहन लेते तब भी हम कम एज के लगते हैं, तो बहुत हमारे कपड़े का पहनावा भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हम लगते ही हैं। अब चोटी वगैरह बना लेते तो आज तो मैंने चोटी के ऊपर चोटीला डाला है, तो मुझे बेहद पसंद है ये। आज आपको इसके साथ मेरी वीडियो देखने को मिलेंगी। और थैंक यू व्यूवर्स, अपना नाम जरूर डाला करें। अनीता कुमारी दीदी, मेरे पास बहुत बैड कमेंट्स आ जाते हैं और मेरा माइंड कभी कभी खराब हो जाता है। अरे बहन, खराब करने की जरूरत कुछ ना है, माइंड ना सेहत, या घर के ही ना जीन देवे तो बाहर के तो जब जीन देंगे हैं। अरे भैया कुत्ता कैसे भाग के आए हो, तो रोड पे भी यार है। अरे पूछने आए हो, 26 जनवरी है, कहाँ जा रहे हो आज? अच्छा 26 जनवरी है तो 26 जनवरी मनाने जा रहे। तो दोस्तों अनीता कुमारी, तो बाबू मेरे पास भी बैड कमेंट्स आते, मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं होता, अपना काम करो, अच्छे से करो और दिल से करो। कमेंट्स तो आते रहेंगे और आने, अच्छे आए चाहे बुरे आए, आप जवाब देना चाहते हो जवाब दे दो, नहीं चाहते हो तो ब्लॉक कर दो, चाहो तो डिलीट कर दो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे सभी बैठे हैं, मेरे सभी मेरे फैंस मुझे समझाते रहते हैं कि सोनिया जी दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना, तो मैं तो नहीं लेती। और वैसे भी सही बताऊँ मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मैं तो लेती भी नहीं हूँ दिल पे, कभी कभी दुख हो जाता है, कभी कभी रोना भी आ जाता है, कोई ज्यादा कमेंट्स होता है और मेरे बच्चों के प्रति होता है तो जब मुझे रोना आता है। और अब मैं एक बात बताऊँ, 5000 मेरी वीडियो चल रही है, मैं 5000 वीडियो पे कैसे वर्क कर सकती हूँ? 5000 वीडियो पे काम नहीं हो सकता, वही आज की और कल की दो दिन की वीडियोस पे काम करती हूँ, पीछे नहीं जाया जाता। और ब्लॉग के तो मैं 4 या 5 दिन में रिप्लाई करती हूँ क्योंकि तब तक सारे ब्लॉग आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं, और जब उसका फिर रिप्लाई तसल्ली से बैठ के करती हूँ। अगर फिर रह जाते हैं तो फिर वही बात होती है, मैम आपने हमारा जवाब नहीं दिया, सोनिया जी कहाँ हो, ये फलाना ढिकाना जो भी है। तो थैंक यू अनीता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स आने भी अच्छी बात है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, पर आप किसी के दिमाग को थोड़ी बदल सकती हो, आप अपने काम पे ध्यान दें। और बस टूल टैक्स पे पहुंच गए, बेला का कटेगा टूल, और जो कि यहाँ पे ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है, 45 रुपए का है अप डाउन का, और हम यहीं तक ही जाते हैं, या तो नहर तक जाते हैं या यहीं तक जाते हैं। और आज हमारी बेला का कई दिन में, क्योंकि हम कई दिन में जा रहे हैं इधर, तो काटते हैं दिखवाते हैं अभी। तो दोस्तों कमेंटों का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, जब 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 सूरज निकलेगा, जब जब कमेंट होंगे, और आप सबके हाल चाल, आप सबके भाव सब रहेंगे। आज मेरा छोटा सा ब्लॉग है क्योंकि मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गई हूँ और अब मैं करूँगी अपनी वीडियो शूट, और मिलते हैं अपनी रंग बिरंगी वीडियो के साथ। और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, लव यू, लाइक कमेंट शेयर करें जरूर, और ताकि मैं भी आप सबके बीच में और ज्यादा से अच्छे से काम करूं। जब तक सूरज चांद रहेगा कमेंट आपके नाम रहेगा। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, लव यू लव यू लव यू, हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू, कचौड़ी बनाए खाएं।